दशा विशा देके आपकी तसली करके मुड़े अगली बार ना जाएंगे कोई फर्क नहीं पैदा तकशीला की तकलीफ है इन्होंने लोगों को क्यों रोकते हैं जानते ने साडे खिलाफ तवा ला रहे हैं सानू दोषी करदार रहा है भी असि लोगों को रोक रहे हैं उन्होंने डायरेक्टर का फोन मैं आया कहते जी तुम साडियां एडवरटाइजमेंट रोकते हैं मैं क्या भी तेरे को कोई ऐसी मिसाल तो बंदा व्यक्ति तेरा कोई लिया जिन्हू मैं ये क्या हो फलाने रेडियो से तू एड ना पा कोई है कहता नहीं हो नहीं थोड़ा एक बंदा आया सी इंडिया तो उन्हें कहा सी भी तुसी एडा ना पाया करो मैं क्या फिर उन्हें गलत की कहता ये तो खैर मैं भी कहना हर बार कहना जो टॉक शो से जाने ये गल मैं हर बार कहना भी जेड़े व्यक्ति इन्हों दियां एडा पाते ने गलत करते हैं तो जेड़े इन्हों को एडा पाते गलत करते हैं तो ये गलत की है जे असी इनी गल भी नहीं कह सकते तो फिर सा कर भी की रहे संस्था खड़ी करके इसका अडंबर ही रच रहे होवे ना जे सच्ची गल लोगों तक नहीं पहुंचावे मेरा कहने का मतलब है भी असि कई बार इस गल बहुत छोटी जी गल आ जाने भी ममूली जी गल है कुछ नहीं होता पर यह गल ममूली नहीं होंदिया ये गल बहुत वड्डिया गल पिछले साल असी ज्योतिषियों को चैलेंज दिता सारे अखबारों राही रेडियो राही टीवी राही अंग्रेजी के अखबारों में भी खबर लगिया 2 अगस्त को असी ग्रैंड ताज बैंक हाल के कट रखा असी क्या भी कोई ज्योतिषी जिहड़ा ये कहिंदा है कि ज्योतिष विज्ञान है ज्योतिष साइंस है वह प्रूव करने लई साडे उस कट के आ जाए स्टेज तो असी 10 सवाल पूछांगे 10 सवालों के सही उत्तर देण वाला सानू साडे कोल 1 लाख डालर जिहड़ा है वह लै जाए तुसी यकीन मनो एड चल रही है रेडियो से टॉक शो हो रहे ने टीवी तो कहा जा रहा है भी आओ 2 अगस्त ऐसे तरह हाल भरिया एक भी ज्योतिषी उत्थे नहीं आया क्यों नहीं आया सरी विच बैठे हुए ज्योतिषी क्यों नहीं आए जदों के वीडियो ने भी उन्होंने पूछा कि तुसी उन्होंने तुहानू चैलेंज दिता है तुसी जाओगे वह कहते असीं नहीं जाना कारण जे कोई एक गल कहिंदा है कि ज्योतिष विज्ञान है तो फिर उस विज्ञान की परख कराने दे विच की हर्ज है असी उस विज्ञान की परख करनी सी ते नाल असी 1 लाख कैनेडियन डॉलर देने का ऐलान भी रखा होया जिहड़ा बंदा 10 सवालों के सही आंसर दिंदा है वह सातों एक लाख कैनेडियन डॉलर लै सकता है इस गल के बावजूद भी नहीं आए क्यों क्योंकि झूठ बोलते हैं उन्होंने कोई विज्ञान ज्योतिष विज्ञान ही नहीं है ज्योतिष नूं विज्ञान कहने वाले झूठे ने पखंडी ने धोखेबाज ने इस करके वह नहीं आए तुहाडे कल दे शहर में तुहाडे मैं असीं रेडियो स्टेशन तो उतरे एक पैफलेट पिया इतने आ पैफलेट थले असीं पिया रेडियो स्टेशन से मैं उस व्यक्ति फोन ला लिया मैं कहा जी तुसीं आ हथ देखण की गल ते किस्मत वेखण की गल तुहाडे पैफलेट च लिखी है कि तुसीं किवें करदे आ कहिंदे जी मेरी $20 फीस है ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 5-7 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ ਤੇ $1 ਲੱਖ ਲੈ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ $1 ਲੱਖ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ $20 ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਲਤ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣੇ ਹੋ $20 ਕੇਰਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ $1000 ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
प्रोग्राम करते हैं इस करके तेन कहा भी कल आ ना शायद कुछ प्रसाद है मेरा लीव वो किसी को चला गया जी वो जो थोड़ा किसी को पता था अपना नाम भी स्टेज तो लै सकते खैर शनि वाले प्रबंध कोई नहीं आया असी लोगों ने कहा भी देखो भरावो जे इन्हों का ज्योतिष विज्ञान होंगे तो लाजमी होंगे असी फिर उन्होंने गल गलत साबित करने लोगों को कुछ दसिया भी क्यों नहीं आए जो कुछ असी पुछना सी वो की पुछना सी इन्हों का जिहड़ा आधार है वह गलत है जो दसिया तो फिर साढ़े उस कट के तीन व्यक्ति हो खड़े हो गए भी लख लख डालर असं कले कले देने तैयार है साढ़े कोल हैगा कोई ज्योतिषी आवे तरक्षी सोसायटी का लख वखरा हो गया ते तीन लख साडा हो गया तीन व्यक्ति जहे सोसायटी वास्ते मदद दे लई स्टेज ते खड़े हो गए कहते असीं देने तैयार मेरा मतलब उन्हां दा हौसला इन्ना वध गया जिहड़ा उन्हां दे मन च डर सी या कोई शक सी उन्हां दी दूर हो गई ते उह बिलकुल सोसायटी दी पिट ते मदद ते आ गए खड़े हो गए हुण मैं दसदा इस नूं गलत करन दा आधार की है आपां गल ज्योतिष की थोड़ी ज्यादा करांगे जिहड़े तंत्रक ने कुछ नहीं कर सकते जे तंत्रक कुछ कर सकते होंदे जादू टूणा कोई चीज होंदी इहदे विच कोई ताकत होंदी तां साडी शर्त है दईआं शर्तां दे विचों भी साडी सोसायटी दे किसी भी व्यक्ति नूं कोई तंत्रक कोई सियाणा कोई सिट सिटण वाला कोई जादू टूणे वाला ब्लैक मैजिक वाला यह दस देवे भी इन्ने दिनों दे विच असीं इहदा नुकसान करांगे वह नुकसान कर देवे असीं फिर भी साडा जिहड़ा रिवार्ड है वह उहनूं देवांगे ते असीं उहनूं कुछ नहीं कहिंदे असीं यह मन लागे भी उहदे कोल ताकत हैगी है जादू टूणा हैगा सिट हैगी है सिट हुंदी है पर 27 सालां दे विच ना तां पंजाब च ते 15 सालां दे 17 सालां दे विच ना इत्थे कैनेडा विच अज तक साडे किसे मैंबर दा किसे ने कोई वाल नहीं विगा कर सकिया वाल असीं कोलों सोसायटी वल्लों इस गल दे लई इनाम रख्या पर नहीं सो मैं उधर मैं जावां ज्योतिषियां वल आवां ज्योतिष दा एक सब तो पहला तरीका है जे किसी की जन्म पत्री टेवा बनाउणा है तां उहदे लई ठीक समां मिति ते स्थान तीन चीजां तुहाडे कोलों पंडित जी मंगदे ने पंडित तों भाव मेरा किसी दे कास नाल ही जिहड़ा ज्योतिष दा काम धंधा करदा है मेरा भाव उस तों है इह तीन चीजां तुहाडियां होण तां उह कहिंदे असीं जन्म पत्री बना देंगे जिहदे विच तुहाडा सारा भविख बिलकुल ठीक लिखा हो ऐ उवें चलू तुहाडी जिंदगी जो कुछ असीं तुहानूं उत्थे लिख के दे देंगे ते पिछला भी ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਾੜੂਆ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਟੇਵਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।